कमलनाथ जी, बनवारी लाल जी, अदल सिंह कसाना जी, गिरिराज गंडोटिया जी, रघुराज कसाना जी, बाबू जंडेल जी, बैजनाथ कुशवाहा जी, कमलेश जाटव जी, राकेश महावीर जी, हमारे कैंडिडेट रामनिवास रावत जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सब यहां गर्मी में आए, दूर दूर से आए, सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। चुनाव हो रहा है और आधे से ज्यादा चुनाव खत्म हो गया। एक बात तय है, चौकीदार वो तो है, मगर मैं कुछ और कह रहा था। मैं कह रहा था चौकीदार प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, मगर अब आपने बात उठाई तो मैं कह देता हूं। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा ये नारा आपने कहां से सोचा, कैसे निकाला। अभी मेरा इंटरव्यू हो रहा था, पत्रकार ने मुझसे पूछा ये आपने जो नारा निकाला, दो नारे आपने निकाले, ये जबरदस्त नारे हैं, एक सूट बूट की सरकार, दूसरा चौकीदार, ये आपने कहां से सोचा। आपको बताना चाहता हूं, ऐसी ही मीटिंग हो रही थी छत्तीसगढ़ में, ऐसी ही भीड़ थी, और मैंने बोला चौकीदार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, वो वायदा चौकीदार ने पूरा नहीं किया। उसके बाद मैंने बोला चौकीदार जी ने कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे, वो वायदा पूरा नहीं किया। उसके बाद किसानों की बात की, किसानों से कहा सही दाम दिलवाऊंगा, चौकीदार ने किसानों का काम नहीं किया। और एकदम भीड़ से वहां पे कोने में 10-15 लड़के खड़े थे, मैंने फिर बोला चौकीदार, जैसे मैंने बोला चौकीदार कहते हैं चोर है, उधर से बोला चोर है। पहली बार मैंने सुना नहीं, पहली बार मैंने देखा ये बोला क्या, अच्छी तरह सुनाई नहीं दिया। फिर मैंने उनसे पूछा भैया बताओ ये फिर से बोलो, कहते हैं चौकीदार चोर है। अब ये नारा कहां से आया, ये नारा राहुल गांधी ने नहीं दिया, ये नारा कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, ये नारा हिंदुस्तान की जनता के दिल से आया है नरेंद्र मोदी जी, ये नारा भीड़ से आया है। और ये क्यों बात बनी है, पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, पूरा देश कहता था अच्छे दिन आएंगे। नरेंद्र मोदी जी आते थे, कहते थे भाइयों और बहनों 56 इंच की छाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़के दिखा दूंगा। जनता ने कहा हां भाई, चौकीदार कह रहा है, चलो चौकीदार को टेस्ट कर देते हैं, ट्राई करते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बने, काम शुरू किया, पहले लोगों को दिखा। चौकीदार जी ने युवाओं की बात की थी, किसानों की बात की थी, मगर भाई गले तो सिर्फ अनिल अंबानी, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी इन लोगों से लगते हैं, गले तो किसान से नहीं लगते, युवाओं के साथ दिखते ही नहीं है, माताओं बहनों के साथ बात करते हुए नहीं दिखते। सवाल उठा, जनता के दिल में सवाल उठा। और फिर कुछ ही दिन बाद राफेल का मुद्दा सामने आया। राफेल के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, इससे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दुनिया में नहीं है, 126 हवाई जहाज,
लाखों करोड़ रुपए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं, पता लगा लीजिए, उनके साथ अनिल अंबानी फ्रांस जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि हिंदुस्तान से चौकीदार आया था, मुझसे मिला, मीटिंग में उसने मुझे तीन चार बातें बोली। पहली बात बोली, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए, सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात बोली, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा। तीसरी बात बोली, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का खरीदा जाएगा। चौथी बात बोली, हिंदुस्तान के चौकीदार ने बोली, अनिल अंबानी को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। अगर अनिल अंबानी को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो फ्रांस की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। मेरे शब्द नहीं है, फ्रांस के राष्ट्रपति के शब्द हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति बोल रहा है। सिर्फ वो नहीं बोल रहा है, पारिकर जी से हमारे प्रेस के मित्रों ने पूछा, भैया बताइए ये जो झटके से नरेंद्र मोदी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, 126 हवाई जहाज के 36 बना दिए, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज बना दिया, ये क्या आपने निर्णय लिया था? परिकर जी ने कहा, नहीं, मैं इसके बारे में तो जानता भी नहीं हूं, ये निर्णय हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, आप उनसे जाके पूछिए। मगर बात वहां भी नहीं खत्म होती, वहां भी नहीं खत्म होती, बात आगे जाती है। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के सबसे बड़े अफसरों ने डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में लिखा, पढ़ना है तो हिंदू अखबार में देख लीजिए, इंटरनेट पे जाइए, हिंदू नरेंद्र मोदी राफेल लिख लीजिए, पता लग जाएगा। हिंदुस्तान के एयरफोर्स के सबसे बड़े जनरल्स ने, सबसे बड़े अफसरों ने लिखा कि नरेंद्र मोदी स्वयं राफेल हवाई जहाज वाली कंपनी से और फ्रांस की सरकार से पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे हैं। हमें परे कर दिया गया है, एयरफोर्स को परे कर दिया गया है, प्रधानमंत्री सीधी बात, मन की बात फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस के हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी से कर रहे हैं। ये सच्चाई है भाइयों और बहनों, और इसीलिए आज ये नारा हम नहीं दे रहे हैं, ये नारा जनता के दिल में है, जनता के मुंह से निकल रहा है। मैं आपको अपना पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं, पर्सनल एग्जाम्पल देता हूं। कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में रेड लाइट पे था, चौराहे पे गाड़ी रुकी हुई थी, शीशा खुला था, ऑटो रिक्शा मेरे पास आके रुकता है। ऑटो रिक्शा के ड्राइवर ने मेरी ओर देखा, मुझे पहचाना, मुस्कुराया, और उसके मुंह से पहले शब्द चौकीदार चोर है। मैंने कुछ बोला नहीं, आमतौर से मैं बोलता हूं, देखो मैं बोलता हूं चौकीदार, मैंने ये नहीं बोला, चुप था। उधर से ऑटो रिक्शा से आवाज आई, चौकीदार चोर है। मैं मुस्कुराया, कहता है, राहुल जी घबराइए मत, काम चालू है, चौकीदार को हटाएंगे। ये हिंदुस्तान के दिल में आवाज है। अब नरेंद्र मोदी जी कुछ भी करें, कुछ भी बोलें, भरोसा टूट गया है। युवाओं से, छोटे दुकानदारों से उन्होंने कहा, मनमोहन सिंह जी को अर्थव्यवस्था चलानी नहीं आती, मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया, अपमान किया, प्रधानमंत्री बने
नोटबंदी की, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया। आप किसी भी दुकानदार से, किसी भी छोटे बिजनेस वाले से, मुरैना में किसी भी बिजनेस वाले से पूछ लो, क्या नोटबंदी से तुम्हें फायदा हुआ? आपको एक आदमी, अगर एक आदमी मुरैना में मिल जाए जो आपसे कहा हां हमें फायदा हुआ, उसको मेरे पास ले आना। मैं अभी भी ढूंढ रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो कहे कि हां भैया नोटबंदी से फायदा हुआ। आपको लाइन में लगा दिया, आपसे झूठ बोला, काले धन के खिलाफ लड़ाई है। भैया बताइए, आप लाइन में खड़े थे, लाइन में अनिल अंबानी खड़ा दिखा आपको, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या? नहीं। तो अगर काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो बैंक के सामने सिर्फ ईमानदार लोग क्यों खड़े थे? अगर उनके काले धन पर आक्रमण हो रहा था तो वो बैंक के सामने क्यों नहीं खड़े थे? क्योंकि भाइयों और बहनों, वो अमित शाह के बैंक में गुजरात में 700 करोड़ रुपए काला धन सफेद कर रहे थे। पूरे देश के चोरों ने अपना काला धन नरेंद्र मोदी की मदद से सफेद किया है। आपके जेब में 35,000 करोड़ रुपए तो नहीं आए ना? नीरव मोदी को मिले, विजय माल्या को मिले, आपको 10,000 करोड़ रुपए मिला क्या? मिला आपको? नहीं मिला। 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ किया नरेंद्र मोदी ने, 15 लोगों का। किसका? सबसे भ्रष्ट लोगों का, अनिल अंबानी, नीरव मोदी जैसे लोगों का। अरे किसानों का कितना कर्ज माफ किया, युवाओं का कितना कर्ज माफ किया, दुकानदारों का कितना कर्ज माफ किया? जीरो, जीरो। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के सीनियर इकोनॉमिस्ट को बुलाया। मैंने कहा देखिए, नरेंद्र मोदी 5 साल से अन्याय कर रहा है, अब हम न्याय करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं आप, कैसे करेंगे, मुझसे पूछा। मैंने कहा देखिए, प्रधानमंत्री ने 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दिए हैं, मैं उतना ही पैसा, कांग्रेस पार्टी उतना ही पैसा, एक रुपया कम नहीं, उतना ही पैसा 25 करोड़ लोगों को देना चाहती है। कांग्रेस पार्टी की टीम आई, हिल गए। कहते हैं राहुल जी ये क्या बोल रहे हो आप, ऐसे थोड़ी होता है, सरकार बैंक अकाउंट में पैसा ऐसा थोड़ी डालती है, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला था। उन बातों में आप मत पड़िए। मैंने कहा एक बात समझाओ, सरकार पैसा नहीं देती तो अनिल अंबानी का कर्जा किसने माफ किया? कि जापान की सरकार ने कर्जा माफ किया क्या? नीरव मोदी को पैसा किसने दिया? चाइना की सरकार ने दिया क्या? विजय माल्या को 10,000 रुपए किसने दिए? अमेरिका की सरकार ने दिया? नहीं, हिंदुस्तान की सरकार ने दिया। तो आप एक काम कीजिए, जाइए पता लगाइए। अगर आप मुझे कहोगे कि 10 रुपए दे सकते हैं, मान जाऊंगा, पता तो लगाओ। एक ही शर्त है, नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स जैसा काम नहीं करना है, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाना, ना मध्यम वर्ग को नुकसान होना चाहिए, ना दुकानदारों का नुकसान होना चाहिए, ना किसानों का, ना बेरोजगार युवाओं को, फायदा होना चाहिए सबका। वो गए 5 महीने वापस, 5 महीने बाद वापस आते हैं, कागज पे पेन से नंबर लिखते हैं, 72,000। भैया पेन देना मुझे, 72,000, यूं ये 72,000 लिखते हैं। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं राहुल जी आपने कहा था 5 करोड़ लोगों को पैसा देना है,
72,000 रुपए दिस दिए जा सकते हैं। मैंने कहा अच्छा कितने लोगों को? 25 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ परिवारों को। अच्छा नहीं, ताली मत बजाइए, अभी ठहरिए, मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की चोरी के बारे में बता रहा हूं। 5 करोड़ परिवारों को? हां। अच्छा भैया कितने समय में? 1 साल में। अच्छा कितने सालों के लिए? 2 साल के लिए? 3 साल के लिए? नहीं, 5 साल में 360,000 रुपए हर परिवार को, 10 साल में उसका दुगना। राहुल जी पैसा दिया जा सकता है, और आपने एक बात कही थी नुकसान नहीं करना है, हमने पूरा का पूरा सिस्टम देख लिया है, समझ गए हम, हमने आंकड़े देख लिए हैं, हम आपको बता रहे हैं कि किसी का नुकसान नहीं होने वाला। मैंने कहा समझाइए, आप मुझे कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी ने 15 लाख का झूठ बोला, आप मुझे कह रहे हो 360,000 रुपए की सच्चाई है, 5 करोड़ परिवारों को दे सकते हैं। मैंने आपसे पूछा था, कहा था कि नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है गरीबों को पैसा दे रहे हैं, आप मुझे बताओ दुकानदारों का फायदा होगा या नुकसान, आप मुझे बताओ छोटे बिजनेस वालों का फायदा होगा या नुकसान न्याय योजना से। कहते हैं राहुल जी हम आपको समझाते हैं, 2 मिनट में समझाते हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, इन माताओं बहनों के घर से पैसा निकाला, युवाओं की जेब से पैसा निकाला, किसानों की जेब से पैसा निकाला, हिंदुस्तान की जनता ने माल खरीदना बंद किया, शर्ट पैंट जूता सेलफोन बिक्री बंद हो गई, दुकानों में माल बिकना बंद हुआ। जैसे ही दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्रियां बंद हुई, कुछ बेचने को नहीं था। फैक्ट्रियों के मालिक ने युवाओं को बुलाया, कहा भैया देखो नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी कर दी, अब मोरेना में फैक्ट्री चलाने की कोई जरूरत नहीं है, बोल कोई खरीद नहीं रहा कुछ, हम क्यों बनाए, दुकानें बंद पड़ी हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया, छोड़िए। 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी नोटबंदी गब्बर सिंह टैक्स ने की। अब न्याय योजना का पैसा जाएगा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। माता जी आपका नाम क्या है? हां जो आप हरी साड़ी जो पहनी है, हां आपका नहीं जो यहां, हां आपका ये जो हरी साड़ी पहनी है, हां आप, आपका नाम क्या है? हां गुट्टी, गुट्टी जी, गुट्टी जी देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने आपके घर से पैसा निकाला जिसको आपने बचाया था, उन्होंने आपसे छीना, जैसे ही उन्होंने आपसे छीना, उन्होंने हिंदुस्तान के दुकानदारों से, हिंदुस्तान के बिजनेस चलाने वालों के लोगों से रोजगार भी छीना। अब न्याय योजना का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाने वाला है, 6,000 रुपए महीने के, 72,000 रुपए साल के। जैसे ही इनके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और सिर्फ इनके बैंक अकाउंट में नहीं, इनके बैंक अकाउंट में नहीं, ऐसे 5 करोड़ महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। जैसे ही ये पैसा जाएगा, इनका परिवार माल खरीदना शुरू करेगा, कोई शर्ट साड़ी पैंट शर्ट जूता जो भी, और जैसे ही ये खरीदना शुरू करेंगे, मोरेना की दुकानों में माल बिकना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मोरेना की दुकानों में माल बिकना शुरू होगा, सबसे पहले दुकानदार खुश होंगे, व्यापारी खुश होंगे, जैसे ही माल बिकना शुरू होगा, मोरेना की फैक्ट्रियां चालू होना शुरू हो जाएंगी, और उन्हीं फैक्ट्रियों में मोरेना के युवाओं को रोजगार मिलेगा। भाइयों और बहनों, न्याय योजना सिर्फ गरीबों की मदद करने की योजना नहीं है, न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को स्टार्ट करने की योजना है। जैसे ट्रैक्टर में डीजल डाला जाता है, वैसे न्याय योजना हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के इंजन में डीजल पेट्रोल डाला जा रहा है। जैसे ही अंदर जाएगी, जैसे ही डीजल अंदर जाएगा, चाबी घुमाएंगे, झटके से दुकानें चालू हो जाएंगी,
फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में हर महीने पैसा आएगा। कांग्रेस पार्टी की सोच। युवाओं से कहना चाहता हूं, देखिए आपने 2014 में नरेंद्र मोदी पे भरोसा किया, ठीक है, उन्होंने आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, मिल गया? मिल गया क्या? 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया ने की। 27,000 युवा 24 घंटे में हिंदुस्तान में रोजगार खोते हैं, खोते हैं। चुनाव में नरेंद्र मोदी बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, रोजगार की बात नहीं कर रहे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं कर रहे। अब टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा है, 2 आईने लगे हैं, एक इस साइड पढ़ पढ़ के नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं। उसमें लिखा है, भैया मोदी जी रोजगार की बात मत करना, फंस जाएंगे। किसानों की बात मत करना, फंस जाएंगे। 15 लाख की बात मत करना, वो कांग्रेस पार्टी 3,60,000 दे रही है, फंस जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की जनता ने घेर लिया है, नरेंद्र मोदी को सच्चाई ने घेर लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं बच सकते सच्चाई से। अब युवाओं आप सुनो, सबसे पहले न्याय योजना हिंदुस्तान की फैक्ट्रियों को चालू करेगी, लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरा काम मैंने पता लगाया है, 22 लाख सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ी हैं, 22 लाख सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी आपके हवाले 1 साल के अंदर कर देगी। मैं आपसे 30 लाख नहीं बोलूंगा, मैं 30 लाख नहीं बोलूंगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में मैंने बोला था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा, कमलनाथ जी ने 2 दिन के अंदर काम शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ में बस्तर में मैंने बोला था आदिवासियों को जमीन हम वापस दे देंगे, जाइए पता लगा लीजिए, बस्तर में टाटा कंपनी से जमीन वापस दे दी गई है। मैं झूठ बोलने नहीं आया हूं, मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूं, मैं आपको साफ बोल दूंगा 22 लाख सरकारी नौकरियां हैं 1 साल में आपके हवाले कर देंगे। मैं आपसे बोलूंगा 3,60,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाला जा सकता है, पता लगाया है, चेक किया है, एक बार नहीं 10 बार चेक किया है, सबको फायदा होगा, कर दूंगा। 10 लाख युवाओं को पंचायतों में रोजगार दिया जा सकता है, कर दूंगा, मगर 11 लाख नहीं बोलूंगा। और युवाओं के लिए एक और चीज, देखिए देश में रोजगार पैदा कौन करेगा? अनिल अंबानी नहीं करेगा, मेहुल चौकसी नहीं करेगा। 35,000 करोड़ रुपए दे दिए उनको, उन्होंने कुछ नहीं किया, कौन करेगा? हिंदुस्तान का युवा रोजगार पैदा करेगा, एंटरप्रेन्योर बनके, छोटी कंपनी चालू करके, मिडिल साइज कंपनी बना के। आपकी मदद करना चाहते हैं, आज आप नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया में बिजनेस खोलने की कोशिश करो, अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एक डिपार्टमेंट में जाओ परमिशन लो, 10-15 दिन लगेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओ परमिशन लो, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, पांचवें में जाओ, 6-7 महीने लगेंगे, पूरा का पूरा टाइम जाया हो जाएगा, बिजनेस नहीं चालू। मैनिफेस्टो में एक लाइन लिख दी हमने, मुरैना का जो भी युवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिंदुस्तान के सब प्रदेशों का जो भी युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाना चाहता है, उसे बिजनेस खोलने के लिए किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, खत्म खत्म। आप बिजनेस चालू करो, छोटा बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेस चालू करो, बैंक से हम आपको पैसा देंगे, कर्जा देंगे, और 3 साल बाद आप जाना सरकार के पास, जाना कहना मैंने बिजनेस चालू किया है,
30 40 50 लोग मेरे साथ काम करते हैं, अब आप मुझे परमिशन दीजिए। बिजनेस चालू नहीं हुआ छोड़िए, परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यह है कांग्रेस पार्टी की सोच और यह हम आपके लिए करना चाहते हैं। किसानों के लिए मैं दो चीजें कहना चाहता हूं, दो ऐतिहासिक निर्णय। पहला, आपका एक अलग बजट बनेगा, एक नेशनल बजट बनेगा, दूसरा किसानों का बजट लोकसभा में पेश होगा। उसमें आपको शुरुआत में बता दिया जाएगा इस साल आपके लिए आपकी सरकार इतना पैसा देगी, इतनी एमएसपी बढ़ाई जाएगी, इतना आपका कर्जा माफ होगा, इस प्रकार का फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपके डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा। दूसरा काम, और शायद उससे ज्यादा ऐतिहासिक काम, नीरव मोदी जेल के अंदर है बाहर, विजय माल्या अंदर बाहर, अनिल अंबानी अंदर बाहर, ललित मोदी अंदर बाहर, हिंदुस्तान का किसान 20,000 रुपए का कर्जा लेता है वापस नहीं देता, अंदर बाहर, ये आपको सही लगता है? तो मुरैना के किसानों आप सुन लीजिए, 2019 के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी नया कानून बनाएगी, हिंदुस्तान के किसान का आदर करने का कानून। हिंदुस्तान का मुरैना का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए जेल में नहीं डाला जा सकेगा। बात समझ आई? हम आपके हैं, हम उस चोर अनिल अंबानी नीरव मोदी जैसे लोगों के नहीं हैं। मेरी फोटो आपको उनसे गले मिलते हुए कभी नहीं दिखेगी, मरते दम तक मैं अनिल अंबानी से गले नहीं मिलूंगा। हम आपके हैं, आप मालिक हो, आप ऑर्डर दो, आप ऑर्डर दो, हम आपका ऑर्डर पालन करेंगे। जो आप हमें कहोगे दिल से हम करके दिखाएंगे। अच्छा मोदी जी, एक काम करिए, एक काम कर दीजिए मोदी जी, आपने 15 लाख रुपए नहीं दिया, आपने 15 लाख रुपए नहीं दिया, आपने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार नहीं दिया। यहां पे सेंचुरी है, तैयार है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेंचुरी है, 10-15 बब्बर शेर गुजरात से आप इधर भी भेज दीजिए, फायदा हो जाएगा पूरा मुरैना का। इतनी कंजूसी मत कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो जैसे ही गुजरात में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम पहला काम मुरैना को बब्बर शेर देने का कर देंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।